हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीलर्न आइडिया में। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है जो हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेट है, तो हम करेंगे जो हमारा ये जॉब है, जॉब के ऊपर हैंड लैपिंग करेंगे। फ्लैट सरफेस के ऊपर हैंड लैपिंग किस तरह से किया जाता है, यही हमारा आज का प्रैक्टिकल है। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे ये जॉब है हमारा, फाइलिंग करके हमने फिनिश कर लिया है, इसके बाद हमें इसके ऊपर हैंड लैपिंग करना है। तो हैंड लैपिंग करते समय आपको एक कास्ट आयरन का लैपिंग प्लेट ज़रूरत होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कास्ट आयरन का लैपिंग प्लेट है। इसे सबसे पहले वाइस पर इस तरह से पैरेलल आपको सेट करना है। इस तरह से वाइस के ऊपर आपको पैरेलल सेट कर लेना है। इस तरह से वाइस के ऊपर पैरेलल सेट करने के बाद आपको जैसे हमें हमारा जो प्रैक्टिकल है लैपिंग करना है, और हमने लैपिंग प्लेट लिया है। इसके बाद आपको लैपिंग कंपाउंड की आवश्यकता होती है, जो हमारा जो प्लेट है प्लेट को चार्ज करने के लिए। जैसे इसके ऊपर हम लैपिंग कंपाउंड लगाएंगे तो हमारा जो लैपिंग प्लेट है ये चार्ज हो जाता है। इसके बाद इसके ऊपर हमें लैपिंग करना है, ये फ्लैट सरफेस के ऊपर जो हमारा जॉब है फ्लैट वाला, इसके ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लैपिंग प्लेट है हमारा, लैपिंग प्लेट के ऊपर लैपिंग कंपाउंड को इस तरह से लगा लेंगे। ये जो आपको हम लैपिंग कंपाउंड यूज कर रहे हैं ये सिलिकॉन कार्बाइड का है। इस तरह से लैपिंग कंपाउंड इसमें लगा लिया, जिससे क्या होता है कि प्लेट चार्ज होती है। इसके बाद हमें इसके ऊपर हल्का ऑयल अप्लाई करना है। इस तरह से हल्का ऑयल अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो हमारा जो जॉब है, जॉब के ऊपर, जिस जॉब के ऊपर हमें फ्लैट सरफेस के ऊपर हमें लैपिंग करना है, तो इस जॉब को इस तरह से पकड़कर जहाँ पर हमने लैपिंग प्लेट सेट किया है इसके ऊपर इस तरह से पैरेलली मूव करते जाना है, अप और डाउन। ध्यान में रखें कि जब हम इसके ऊपर हम इसके साथ जो जॉब है जॉब के ऊपर हम लैपिंग कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हल्का प्रेशर अप्लाई करना है और इस तरह से अप और डाउन में, मतलब आगे और पीछे इस तरह से मूव करते रहना। इससे एट वाला जो शेप होता है उससे इस शेप में भी हम लैपिंग कर सकते हैं, और या फिर इस तरह से भी हम लैपिंग कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोसेस आपको कब तक करते रहना, जब तक आपको अपना मनपसंद फिनिशिंग इसके ऊपर प्राप्त ना हो जाए, तब तक आपको यह प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है। बीच में आपको एक बार 5-10 मिनट आपको इस तरह से सही इस प्रोसेस को करने के बाद आपको एक बार इस तरह से जो हमने जिसके ऊपर हम लैपिंग करें फ्लैट सरफेस, इसे सॉफ्ट कॉटन के सहायता से क्लीन करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको अगर ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो लैपिंग इसके ऊपर जो लैपिंग प्लेट है, लैपिंग प्लेट के ऊपर हल्का लैपिंग कंपाउंड अप्लाई करना है। उसके बाद फिर से हमें यही प्रोसेस करते रहना है जब तक हमारा फिनिशिंग प्राप्त नहीं हो जाता है। इस तरह से आपको 5 से 10 मिनट आपको कंटिन्यू इसी प्रोसेस को करते रहना है। मिनिमम 5 से 10 मिनट को आपको इसी तरह से सेम प्रोसेस करते रहना है। उसके बाद आपको एक सॉफ्ट कॉटन जो होता है, सॉफ्ट कपड़ा, उसके सहायता से इसके ऊपर का जो हमने आपको दिखाई दे रहा है लैपिंग पेस्ट, इसे क्लीन करके आपको एक बार चेक करना है फिनिशिंग इसकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग सॉफ्ट हो गया पूरा ऊपर वाला जो फेस है, जो हमारा फ्लैट सरफेस। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, और थोड़ा अगर फिनिशिंग चाहिए तो इसमें थोड़ा और जो लैपिंग प्लेट है
इसके ऊपर हम लैपिंग कंपाउंड और थोड़ा अप्लाई करेंगे इस तरह से। साथ में ऑयल भी थोड़ा अप्लाई करेंगे। और जो हमारा सरफेस है, सरफेस को फिर से उसी तरह से हमें लैपिंग स्टार्ट करनी है। लैपिंग करने के लिए हम जो कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं वो कंपाउंड है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। अलग अलग टाइप के अलग अलग इसके मटेरियल के जो लैपिंग कंपाउंड अवेलेबल होते हैं, और अलग अलग ग्रेड के भी लैपिंग कंपाउंड होते हैं। इसी प्रोसेस को आपको करते रहना जब तक आपका जॉब पूरा फिनिश नहीं हो जाता है। कम से कम जैसे पहले 5 से 10 मिनट आपको इस तरह से चलाते रहना है। इसके बाद फिर से अगर ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो फिर से हमें, जैसे हमने कंपाउंड अप्लाई किया था उसके बाद ऑयल, उसके बाद फिर से हमें 5 से 10 मिनट आपको इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना है। और जब आपको लगे कि 5 से 10 मिनट हो गया है, फिर आपको सॉफ्ट कॉटन के सहायता से इसे क्लीन करके चेक करना है फिनिशिंग, जो हमने इसके ऊपर हैंड लैपिंग किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो जॉब है पूरा एकदम स्मूथ चिकना बन गया है। तो जो हमारा आज का जो प्रैक्टिकल था कि हैंड लैपिंग किस तरह से किया जाता है, तो इसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी है कि हैंड लैपिंग फ्लैट सरफेस के ऊपर किस तरह से किया जाता है, और लैपिंग मशीन के सहायता से भी लैप किया जाता है। तो हमने हमारा जो प्रैक्टिकल था हैंड लैपिंग था फ्लैट सरफेस के ऊपर। और अगर आपको कोई जैसे राउंड सरफेस के ऊपर अगर हमें फिनिशिंग चाहिए रहता है तो उस समय होनिंग किया जाता है, और लैपिंग सिर्फ होनिंग सिर्फ राउंड सरफेस के ऊपर किया जाता है, और लैपिंग राउंड और फ्लैट दोनों सरफेस के ऊपर किया जाता है। ये बात ध्यान में रखना है कि जब जो हमने अभी प्रोसेस किया है लैपिंग का, लैपिंग फ्लैट सरफेस और जो राउंड बार होते हैं, राउंड जो जॉब होते हैं उसके ऊपर किया जाता है, लेकिन जो होनिंग होता है होनिंग सिर्फ राउंड जॉब के ऊपर ही किया जाता है, और होनिंग सिर्फ मशीन के सहायता से किया जाता है, हाथों के सहायता से होनिंग नहीं होता है। इस तरह से आज का जो हमारा प्रैक्टिकल था कि हैंड लैपिंग किस तरह से किया जाता है, यहाँ पर हमने आपको पूरे अच्छी तरह से समझा के बताया कि लैप प्लेट को किस तरह से चार्ज करते हैं, उसके बाद लैपिंग कंपाउंड अप्लाई करने के बाद जॉब को किस तरह से फिनिश किया जाता है। और इस तरह से हमारी जो वीडियो है, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक जरूर करें।